भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे पर विवादित बयान देते हुए उन्हें देशभक्त मानने से इनकार कर दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, हेमंत करकरे को लोग देशभक्त कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में देशभक्त है वह उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आतंकवादियों की मौत पर रोने वाली विचारधारा बताया। सीहोर में मीसाबंदी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, आतंकवाद का साथ देना, देशभक्तों साधु संतों को जेल में डालना कांग्रेस की विचारधारा है। कभी भी कांग्रेसियों की विचारधारा में हमने देशभक्ति नहीं सुनी। कांग्रेस की विचारधारा आतंकवादियों की मौत पर रोने वाली है। आपातकाल को लेकर उन्होंने कहा कि एक इमरजेंसी 1975 में लगी थी और एक इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी थी 2008 में, जब मालेगांव ब्लास्ट में मुझे जेल में बंद किया गया था। उन्होंने कहा, मैंने स्वयं उस चीज को झेला और सहा है। उन्होंने कहा, वास्तव में देशभक्त जो है उनको देशभक्त नहीं कहा जाता है। उन्होंने कहा, हमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की उंगलियों और पसलियां तोड़ी गई थी। उन्होंने राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने संबंधी बयान शर्मनाक है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस पर कहा कि सांसद प्रज्ञा सिंह से स्वर्गीय हेमंत करकरे को देशभक्त होने के प्रमाण पत्र की दरकार नहीं है। वे मालेगांव ब्लास्ट में कई बेगुनाह मौतों की आज भी आरोपी हैं। मुंबई कोर्ट में मामला लंबित है। संघ प्रचारक सुनील जोशी की हत्या में वे राजनीतिक दबाववश पुलिस विवेचना की त्रुटि के कारण बरी हुई हैं। 1975 में और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है। और हमारे लोग, हमारे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।